हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। आज हम कर रहे हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक यूनिट है। उसका फर्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं गाइस? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर, मींस जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब तीन टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। एक इनपुट, एक आउटपुट, तीसरा होता है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। ठीक है, तो वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई पेरिफेरल्स इंटू थ्री कैटेगरीज, मतलब हमने इनको थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन रीडेबल। सेकेंड है मशीन रीडेबल। थर्ड है कम्युनिकेशन। सो ह्यूमन रीडेबल क्या होता है? तो कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर यूजर, मीन्स कंप्यूटर के यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, मीन्स जो उसको ऑपरेट कर रहा है यूज़र, उसके साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, उसके एग्जांपल हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। क्योंकि प्रिंट वगैरह निकलते हैं तो वो क्या होते हैं? पेजेस ही होते हैं ना, वो किसके पास जाते हैं? डायरेक्ट कंप्यूटर यूज़र उनको लेता है प्रिंटर से। ठीक है, सेकेंड है मशीन रीडेबल, कम्युनिकेटिंग विद इक्विपमेंट्स, मतलब मशीन के साथ कम्युनिकेट करना। एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सेंसर एक्सेट्रा। थर्ड इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद रिमोट डिवाइसेस, मींस एक्सचेंजिंग डाटा विद देम, मतलब उनके बीच में डाटा को एक्सचेंज करना। ठीक है, रिमोट डिवाइसेस के बीच में। एग्जाम्पल है मॉडम, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे है सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, उसके बाद क्या है? ट्रांसड्यूसर। अब कंट्रोल लॉजिक क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है सिग्नल्स को फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, मीन्स जो भी सिग्नल्स आ जा रहे हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच में उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इधर क्या है? बफर है। नीचे क्या है? ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या है? डाटा टू एंड फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब डाटा एनवायरनमेंट, मतलब डाटा बिट्स जो एनवायरनमेंट में सेंड कर रहा है, ये एनवायरनमेंट में सेंड कर रहा है, और इधर से बफर, इधर से उसको कंप्यूटर में सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बीच में सिग्नल्स हैं, किसके बीच में? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच में। तो एक सिंपल सा डायग्राम है पेरिफेरल डिवाइसेस का, इसको याद रख लेना गाइस। आगे तो देखो, हमने वहाँ पे पढ़ा था कंट्रोल सिग्नल्स। तो कंट्रोल सिग्नल्स होते क्या हैं? कंट्रोल सिग्नल्स इज डिटरमाइन द फंक्शन दैट द डिवाइस विल परफॉर्म, मीन्स जितने भी फंक्शन डिवाइस परफॉर्म करने वाला है, सच एज मतलब डाटा को सेंड करना या डाटा को एक्सेप्ट करना, उसको क्या करेगा कंट्रोल सिग्नल? कंट्रोल करेगा उन फंक्शंस को। सेकंड है स्टेटस सिग्नल, हमने पढ़ा है वहाँ डायग्राम में। स्टेटस सिग्नल क्या होते हैं? स्टेटस सिग्नल्स इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ द डिवाइस, मीन्स किस स्टेट में है, अब क्या स्टेटस है उसका, उसने कितना डाटा ट्रांसफ़र करा या कितना एक्सेप्ट करा। ठीक है, थर्ड है डाटा बिट्स। डाटा बिट्स क्या होते हैं? एक्चुअल डाटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसके बीच में? बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, और फर्स्ट अब हमने इसको तीन पेरिफेरल डिवाइसेस को तीन क्लासेस में करा था ना, इनपुट पेरिफेरल्स, आउटपुट पेरिफेरल्स और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनपुट पेरिफेरल्स। तो इनपुट पेरिफेरल्स क्या होते हैं? इनपुट पेरिफेरल्स इज यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, डाटा प्रोवाइड करता है सिस्टम को। ठीक है, डाटा और कंट्रोल सिग्नल्स जो भी है वो प्रोवाइड करता है सिस्टम को, बस इतना सा काम होता है इनपुट पेरिफेरल्स का। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? लाइक कीबोर्ड हो गया, हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं मतलब उसको इनपुट दे रहे हैं। माउस हो गया, माउस से सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब जो भी है हम उसको इनपुट दे रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इनपुट पेरिफेरल्स के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। व्हेनेवर ए की इज प्रेस्ड, जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, एन इलेक्ट्रिक पल्स इज जनरेटेड, एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो जाती है एंड फीड इट टू द कंप्यूटर एज इनपुट, मीन सिस्टम में इनपुट की तरह फीड करती है उसको। इट इज़ ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस, ये एक टाइपराइटर के जैसा दिखने वाला डिवाइस है। इट हैज़ मेन कीज़,
न्यूमेरिक कीज एंड फंक्शनल कीज, तीन तरह की कीज होती है, मेन कीज, न्यूमेरिक कीज और फंक्शनल कीज। एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इंक्लूड कीयर कीबोर्ड, लाइटेड प्रोग्राम, फंक्शनल कीबोर्ड। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड के। अब सेकेंड है माउस। तो माउस क्या होता है, माउस इज़ ए कर्सर कंट्रोल डिवाइस जो क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। ठीक है, माउस इज़ ए स्मॉल बॉक्स विद राउंड बॉल एट द बॉटम, मतलब उसके नीचे की तरफ बॉटम में क्या होती है, राउंड बॉल होती है, बीच में, सॉरी नीचे की तरफ कह रही हूँ मैं, सॉरी बीच में उसके राउंड बॉल होती है। ए माउस इज़ यूज टू मैनिपुलेट कर्सर, कर्सर को मैनिपुलेट करता है ऑन द स्क्रीन। माउस कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट, वो तो हमें भी पता है कि माउस को हम सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। देयरफॉर दे आर यूज इन कंजक्शन विद द कीबोर्ड, मीन्स वो कीबोर्ड के साथ ही यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट एंटर करना है तो हम माउस से नहीं कर सकते ना, इसीलिए। थर्ड है स्कैनर, तो ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। अब हमने इनपुट पेरिफेरल्स पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं आउटपुट पेरिफेरल्स क्या होते हैं। गाइस देखें, आउटपुट पेरिफेरल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूज़र, मतलब हमने इनपुट दिया, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, आउटपुट पेरिफेरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट पेरिफेरल्स आर, फर्स्ट है मोनीटर। मोनीटर इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इट कंसिस्ट ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब विच डिस्प्लेज करेक्टर्स एज ए आउटपुट, मीन्स जो हम करेक्टर इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आउटपुट में डिस्प्ले करता है। इट फॉर्म्स, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो करेक्टर्स आ रहे हैं उनको एज ए आउटपुट डिस्प्ले करता है CRT। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, मतलब छोटी छोटी डॉट से, ये टीनी डॉट से एक इमेज बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, मीन्स शार्पनेस किस में डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करेगी, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे, जितनी डॉट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मोनीटर, एक होता है कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये था एक आउटपुट पेरिफेरल मोनिटर। सेकेंड है प्रिंटर, ये भी क्या है, आउटपुट पेरिफेरल है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, पेपर पे इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स क्या होते हैं, अलाउज बोथ इनपुट भी एज वेल एज आउटपुट भी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स है टच स्क्रीन हो गया, हेडसेट हो गया। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या होता है, बेसिकली ए टच स्क्रीन इज द असेंबली ऑफ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। द टच पैनल इज नॉर्मली लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इस टच पैनल इज नॉर्मली लेयर्ड, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेयर्ड एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेडसेट। हेडसेट भी क्या है, इनपुट पेरिफेरल्स डिवाइसेस है। तो ये गाइस ये था, तो गाइस ये टॉपिक था पेरिफेरल्स डिवाइसेस का, जिसमें हमने ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल गाइस।